हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ब्यूटीफुल सी ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट है जिसकी कटिंग हमने कर ली है। देखिए, इसके शोल्डर्स की जो चौड़ाई है वो हमें 14 इंच की रखनी है, तो यहाँ पर हम 15 इंच के शोल्डर्स कट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेक बनाने वाले हैं उसकी डीपनेस जो है वो कम है। ठीक है, नेक की विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच की और नेक डीप रखेंगे 2.5 से 3 इंच की। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा नेक होगा और इसे हम राउंड शेप दे देंगे बोट नेक के जैसे। अब इस नेक के नीचे हमें 3.5 इंच पर एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, 3.5 इंच वाले पॉइंट के नीचे भी एक पॉइंट और बनाइए, 3.5 इंच नीचे ही, बराबर दूरी रखनी है दोनों के बीच। अब यहाँ पर हमें 1 या 1.25 इंच पर एक पॉइंट बनाना है और यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाना है। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से गोले दे दीजिए आप, बीच में मोटी और साइड में से कम। ठीक है, इस तरीके से हमारा नेक को मार्क हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही फटाफट और ब्यूटीफुल सी हमारी नेक बनकर रेडी होगी और इसमें हम डोरी भी लगाने वाले हैं लटकन के साथ। ठीक है, इसमें हम बैक हुक करने वाले हैं, तो इससे अभी एक से अलग कर देते हैं कटिंग करके। अब इसी नाप का हमें ऊपर वाला फैब्रिक भी कट कर लेना है। इन दोनों को साथ में रखिए और यहाँ पर स्टिच कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो जिस शेप में है उसी शेप में सिलाई लगाइएगा। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ध्यान से कट कीजिएगा, गले का शेप नहीं कटना चाहिए। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं पूरी गोलाई में, ताकि जब हम इसे पलटें तो ये आसानी से पलट जाए। ठीक है, इसे पलटने के बाद यहाँ पर एक स्टिच और कर दीजिए, ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। इसी तरीके से हमें इसके साइड का पीस भी रेडी कर लेना है। अब हम इसे नीचे से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें हाई और हुक की पट्टी लगानी है, तो एक हमें 3 इंच चौड़ी और एक हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर देंगे। दोनों साइड से इसे फोल्ड कर दीजिएगा। अब सारे कपड़े को एक साइड में कीजिए, ऊपर की ओर एक स्टिच लगा दीजिए और फिर इसे पलट दीजिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम हाई की पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए हमें ऊपर वाला फैब्रिक भी कट कर लेना है। इसे हम ऊपर की ओर पलटेंगे, जो हमने सिलाई लगा रखी है ठीक उसी के ऊपर इसे पलटना है और स्टिच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से दोनों पट्टियाँ भी लग गई है। अब हमें यहाँ पर डोरी लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पर लूप और बटन्स भी लगा सकते हो। देखिए, इस तरीके से हमें डोरी बना लेनी है और ये इस तरीके से लटकन बनाने के लिए हमें अस्तर वाला फैब्रिक लेना है और इस पर 3 इंच पर मार्क करना है। ठीक है, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके गोलाई में कट कर लीजिए। अब साइड में से इसे थोड़ा कट कर दीजिए, जो ओपन साइड है उस तरफ से। इसी नाप का हमें ऊपर वाला फैब्रिक भी कट कर लेना है। यहाँ गोलाई में इस यहाँ पर स्टिच कर दीजिए। ठीक है, इसे पलट कर सीधा कर लीजिए और इसके सेंटर में हमें डोरी रखनी है और यहाँ पर स्टिच कर देना है। दोनों फैब्रिक लगाने से जो लटकन है वो फुली फुली रहती है और अच्छी लगती है, इसीलिए हमें इस तरीके से अस्तर और ऊपर वाला फैब्रिक दोनों लगा के डोरी रेडी करनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास 4 डोरी रेडी है। यहाँ पर हम लगा देंगे 2 और दूसरे वाले पीस में लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ब्लाउज का बैक नेक और बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल डिज़ाइन बनकर रेडी है। ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर लूप और बटन्स भी लगा सकते हो।